इस बार बड़ी प्रसन्नता है कि रसेंदु ने भी बहुत श्रद्धा से पूरे समय बैठ के कथा सुनी। अच्छा है, और क्यों न हो, ऐसे पवित्र संस्कार आपके रक्त में परंपरागत हैं कि आपको तो इस मार्ग पर चलना ही है। कहां जाएंगे, वो गति क्या है। पूज्य भाई जी, सेठ जी, स्वामी जी, ऐसे संतों से हमारा संपर्क संबंध है, फिर भी हम ईमानदारी से भगवान की ओर आगे नहीं बढ़े तो इन महापुरुषों का नाम लेने का भी हमें अधिकार नहीं। इनके पद चिन्हों पे चल सकें तो इनका नाम हम ले सकते हैं, नहीं इनका नाम लेने का अधिकार नहीं। हमें पूज्य बक्सर वाले मामा जी की एक बात याद आ जाती है। गोरे दाऊ जी में बैठे थे, कथा हो रही थी, एक ही मंच से दास की भी और मामा जी की भी। थोड़ी देर मामा जी बोलते थे, अधिक समय दास बोलता था। एक शास्त्री जी आ गए, ओ बड़ा चौड़ी किनारी की धोती, सुंदर पटका, घोटू ते नीचे लंबो कुर्ता, कलप चढ़ी हुई धोती, कलप वाला कुर्ता, अंगूठियां, घड़ी। अरे हंसने की बात नहीं है, वृंदावन के हमारे व्यास, आह क्या कहने, ठाकुर जी ने सजा धजा के भेजा है उनको। बाबा जी थोड़ी हैं कि चाय जैसे कपड़ा इधर उधर से बांध बूंद के चले आवे। 7 दिन की 7 ड्रेस होती हैं अलग अलग। हाँ, तो 7 दिन में कहो 14 तरह की ड्रेस हो तो कोई आश्चर्य नहीं। बड़ी अच्छे वेशभूषा में थे, उन्होंने आकर मामा जी को प्रणाम किया। तो मामा जी तो सबका बहुत आदर करते थे, आई 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 शास्त्री जी आई। एक कुर्सी दी उन्होंने, मामा जी ने कुर्सी मंगवाई, कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। क्यों? तो उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया कि मैं इनका गुरु भाई हूं और मैं भक्तमाली जी महाराज का शिष्य हूँ, और उनका तो शिष्य हुई हूँ, इनसे भी पढ़ा हुआ हूँ, तो इनके सामने और आपके सामने मैं कैसे कुर्सी पर बैठूँ, इसलिए मैं नीचे ही बैठूँगा। अच्छा, ठीक कहा, ऐसा उनका भाव था तो अच्छी बात है। पर मामा जी ने जो बात कही, मेरे सामने वाली बात है ये, मामा जी ने कहा, शास्त्री जी एक बात कहूं, आपको कष्ट तो नहीं होगा? नहीं नहीं महाराज जी, कहूं आज्ञा करो। बोले देखो, जिन पूज्य गुरुवर श्री भक्तमाली जी का आपने पवित्र नाम लिया है, उनके आप शिष्य हैं, हमारे लिए कहा इनके आप छोटे गुरु भाई हैं, उनकी रहनी देखो, इनकी रहनी देखो, क्या उसका एक अंश भी आपके स्वरूप में दिखाई पड़ रहा है? यदि आप भक्तमाली जी की रहनी को स्वीकार नहीं करते, आपको ये परिचय देने का कोई अधिकार नहीं कि मैं भक्तमाली जी महाराज।